गुजरात की बात करते हैं। मुख्यमंत्री श्री विजय भाई रूपाणी ने आज श्री गणपत सिंह वसावा, महिला और बाल कल्याण एवं वन एवं आदिवासी विकास मंत्री श्री विभावरी बेन दवे, महिला एवं बाल कल्याण राज्य मंत्री श्री के निराला के साथ साथ निदेशक डीएन मोदी आदि की उपस्थिति में रुपये राज्य भर की 53,029 आंगनवाड़ियों में 14 लाख छोटे बच्चों के लिए 36.28 करोड़ रुपए की लागत से समान वितरण योजना शुरू की गई थी। राजपिपला में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम में सांसद मनसुख भाई वसावा, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती पर्युषा बेन वसावा, जिला कलेक्टर श्री डी ए शाह ने 6 बच्चों को यूनिफॉर्म देकर प्रोत्साहित किया। आज से नर्मदा जिले की 952 आंगनबाड़ी के 3 से 6 साल के 19,852 लाभार्थी बच्चों को 49.63 लाख रुपए की लागत से 2 जोड़ी यूनिफॉर्म आज से घर घर वितरण का कार्य शुरू कर दिया गया है, जिसे अगले 2 से 3 दिनों में पूरा कर लिया जाएगा। आज गुजरात राज्य महिला बाल विकास विभाग द्वारा आंगनवाड़ी में भणता बाड़कों ने गणवेश वितरण कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री वरदहस्ते राखवामां आव्यो। आ कार्यक्रम में नर्मदा जिल्ला में पण 19,000 થી 20,000 जेटला बाड़कों ने गणवेश मळवानो छे। आ गणवेश मळवाथी बाड़कों ने आंगनवाड़ी जवामां एक उत्साह वधवानो छे। आंगनवाड़ी में भणता बाड़कों में जो पड़ेली जे शक्ति छे खीलवा माटे પણ એક સરસ પ્રકારનો આ કાર્યક્રમ ગણી શકાય। આજ રોજ ડિજિટલ કોન્ફરન્સના માધ્યમથી માનનીય વિજયભાઈ રૂપાણી સાહેબના વરદ હસ્તે આંગણવાડીના 3 થી 6 વર્ષના બાળકોને ગણવેશ વિતરણનો કાર્યક્રમ કરવામાં આવ્યો। તેવી જ રીતે જિલ્લા કક્ષાનો પણ કાર્યક્રમ જિલ્લા સેવા સદન ખાતે માનનીય કલેક્ટર શ્રી, માનનીય ડીડીઓ શ્રી, માનનીય સંસદ સભ્ય શ્રી, માનનીય પ્રમુખ શ્રી તથા મહિલા અને બાળ વિકાસ યુવા પ્રવૃત્તિના ચેરમેન શ્રીની હાજરીમાં આ કાર્યક્રમને ખુલ્લો મૂકવામાં આવ્યો, જેમાં 3 થી 6 વર્ષના બાળકોને પ્રતીકાત્મક રીતે 6 બાળકોને ગણવેશ વિતરણ કરવામાં આવ્યું। આપ દેખ રહે હૈ દૈનિક દિલ્હી ન્યૂઝ।